टू माय चैनल के स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल में जैसे कि आप देख रहे हो आजकल में आज के दिन भी तेजी देखने को मिली है गैस एक्चुअली हिंदुस्तान एरोनाटिक लिमिटेड जल्द ही चार देशों को हेलीकॉप्टर फाइटर जेट एक्सपोर्ट करा सकती हैं। जी है जी बिजनेस के एक्सक्लूसिव सूत्रों के मुताबिक जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया जहां से मैंने रिपोर्ट निकाली है एच एल अर्जेंटीना मिस्र नाइजीरिया और फिलीपींस के साथ डील हो सकती है एंड इस डील की कीमत सत्तर हजार करोड़ रुपए हो सकती है हालांकि कंपनी ने जी बिजनेस के ई का जवाब नहीं दिया है कैसे मैं आप लोगों को बता दूँ कि हेल भारत में तेजस के एडवा एंड वर्जन हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड जिसको एच के नाम से जाना जाता है उसमें में वो सी एल सी ए मार्क वन ए एयरक्राफ्ट पर भी काम कर रही है गई साथ के साथ अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि एच ए से जुड़ी कुछ बातें ये भी हैं कि अर्जेंटीना मिस्र, नाइजीरिया और फिलीपींस के टेस्ट पायलट को एच ए की फैसिलिटी सेंटर में आ चुके हैं साथ ही अपनी जरूरतों के मुताबिक टेस्ट फ्लाइट फ्लाइट को उड़ा चुके हैं एंड टेस्ट फ्लाइट के बाद जो उनकी ज़रूरतें हैं उनके हिसाब से फ्लाइट जेट में बदलाव किए गए हैं किस टेस्ट फ्लाई जो पायलट बदलाव के बाद भी मतलब टेस्ट फ्लाई कर चुके हैं एंड ऐसे में एच ए एल और चार देशों के बीच ये डील फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी है गिर अर्जेंटीना से फिफ्टीन एल सी ए एंड एम के वन अल्फा फोर पॉइंट फाइव जनरेशन के फाइटर प्लेन खरीद सकता है एंड इसके साथ ही दस ए एल एच हेलीकॉप्टर के ऑर्डर दे सकता है गैस नाइजीरिया की बात करें तो हेल से सिक्सटीन से लेकर अट्ठारह एल सी ए एंड एम के वन अल्फ़ा फोर पॉइंट फाइव जनरेशन फाइटर प्लान खरीद सकता है एंड मिस्र एच एल को ट्वेंटी एल सी ए और एम के वन अल्फा ऑर्डर दे सकता है गाइस फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस हेल्थ से ट्वेंटी ए हेलीकॉप्टर खरीद रही है गैस अभी उसका फाइटर जेट खरीदने का कोई प्लान नहीं है तो गैस देखिए सत्तर हजार करोड़ का इसको ऑर्डर मिला है ऑलमोस्ट आप कह सकते हो तभी इसके अंदर आए दिन इसमें तेजी देखने को मिल रही है गैस हेल्थ डायरेक्टर रिसर्च का डेवलपमेंट नाइजीरिया डी के सुनील ने जी बिजनेस को बताया है कि अभी हम एक्सपोर्ट ऑर्डर की कोशिश कर रहे हैं हालांकि अभी हमारे पास ऑर्डर नहीं है हमारे पास क्षमता की कोई दिक्कत नहीं है उसके साथ साथ उन्होंने बताया है कि एल सी ए जिसके लिए हम तीन लाइन लगा चुके हैं इसमें दो बेंगलोर में है और एक नासिक में है हम आसानी से तीस या उससे अधिक एयरक्राफ्ट बना सकते हैं अगर क्षमता बढ़ानी है को लेकर नहीं तो इसके लिए निवेश करने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हमारे पास एस सी ए और एल सी एच की क्षमता है तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि आने वाले टाइम में इस स्टॉक में और तेजी देखने को मिल सकती है जिस तरीके से एयरक्राफ्ट बना रहा है एंड और भी मतलब हेलीकॉप्टर से जो भी काम कर रहे हैं तो आप सोच रही जिस जिन कंट्री से इसका बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो आप सोच सकते हैं कि इस स्टॉक में और तेजी आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है डिफेंस सेक्टर के अंदर बाकी कैसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप खुद से स्टडी करो चेक करो देन इन्वेस्ट करो चैनल नए हैं तो लाइक मत वीडियो बाई थैंक यू